बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है मैथमेटिक्स पार्ट टू जो है उसका चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक मैंने डिसाइड किया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और वो है कि जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, कि जो अल्कीन्स हैं इनको हम कैसे बना सकते हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैथड है उसको मैंने यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना है। वो है कि कॉज मैनिपुलेटिंग मेथड। लास्ट टाइम भी हमने कॉज मैनिपुलेटिंग मेथड ही पढ़ा था, और लेकिन उसमें आपके पास जो है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था, हमारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो एसिड है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये वाला एसिड सक्सैनिक एसिड है। सक्सैनिक एसिड को जो किसी बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है उसके सॉल्ट में। जैसे ये आपके पास पोटाशियम सॉल्ट और सक्सैनिक एसिड है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये जो पोटाशियम सॉल्ट है सक्सैनिक एसिड का, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के हम इससे अल्कीन जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता ही है कि किसी न किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो हम सबसे पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन में क्या होगा। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों आपके पास जो आयंस हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। क्या आयनाइजेशन होगी वाटर के अंदर, तो पोटेशियम आयन ज्यादा और ये आपके पास सक्सैनेट आयन जो है ये आपके पास क्या जाएंगे अलग हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कैथोड है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इनके ऊपर भी चार्जेस हैं, इनके ऊपर नेगेटिव है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, और ये दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर मूव कर जाएंगे, वहां पे जाकर डिफरेंट रिएक्शन देंगे। तो हम बात करें कि सक्सैनेट आयन की, सक्सैनेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव प्रोटेक्ट करेगा और ये आपके पास एनोड के ऊपर जाकर रिएक्शन करेगा। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सक्सैनेट आयन जो है उसके ऊपर माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा एनोड को अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद ये आपके पास सक्सैनेट की रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये रेडिकल में कन्वर्ट होगा, रेडिकल जो है वो अनस्टेबल होता है काफी ज्यादा, तो ये यहाँ से फौरन से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी तो ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये दोनों आपस में आपके पास क्या करेंगे कि बॉन्ड डबल बॉन्ड बना लेंगे। और डबल बॉन्ड जब बनाएंगे आपके पास, यहाँ मैंने एक मिस्टेक की हुई है, ये CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी हम इसको CH2 करेंगे क्योंकि एक ही कोण यहाँ पे ज्यादा बना हुआ था, तो इसको ठीक कर लीजिएगा कि ये भी CH2 है, ये भी देखो कि सारी मिस्टेक्स हो गई हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे भी क्या है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 जो कि क्या है इथीन, और साथ में यहाँ से दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं वो रिलीज हुए हैं। देन उसके बाद पोटेशियम आयन है, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोटेक्ट करेगा। तो पोटेशियम आयन जो है कहाँ पे जाएंगे, वो कैथोड पे जाएंगे, और ये रिएक्शन यहाँ पे कैथोड पे करेंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए थे वो क्या करेंगे, वो कैथोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल को आयनाइज करेंगे, और वहाँ से हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है उसको लिबरेट करेंगे। ये हाइड्रोक्साइड पोटेशियम आयन से मिलेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास इसमें पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड में। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस भी क्रिएट हो रही है, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है, और साथ में आपके पास इथीन गैस जो है वो भी प्रोड्यूस हो रही है। वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझे करें। और इसकी एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे पोटाशियम साल्ट था, तो मैं यहाँ पे सोडियम साल्ट दोबारा से रिपीट करने, रिपीट करके इसके साइड में आपने सबमिट करवानी है। अगर कोई बात नहीं समझ आए तो आप